सजा और गुनाह चुकाने पड़ते हैं, वरना चैन से मर भी नहीं सकते। जब कांड लगी होती है बहुत गहरी बात कर देते हो महबूब भाई। तो देखो यार, फाइनली हमारे सामने भुवन बाम की ताजा खबर का सीजन नंबर 2 जो है वो फाइनली रिलीज हो चुका है, जिसके सारे एपिसोड्स को एक साथ स्ट्रीम कर दिया गया है, जिसको मैंने वॉच कर लिया है। तो क्या आप मेरे इसके ऊपर ओपिनियन से मुझे शो कैसा लगा है आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। बट बिफोर दैट, हाय एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा अलाइव 33। तो आप लोगों का फिर से एक और नए वीडियो में स्वागत है। विद दैट बीइंग सेड, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखो बात करते हैं कि इसके पार्ट नंबर 2 की स्टोरी जो है वो एग्जैक्टली उसी पॉइंट से शुरू होती है जहां से उसके पार्ट नंबर 1 की स्टोरी जो है वो एंड हुई थी। और हम लोग देखते हैं किस तरीके से आपको यहां पे दिखाया गया है कि वत्स्य की मौत की जो भविष्यवाणी है उसके बाद उसकी मौत हो चुकी है। अब उसके पीछे क्या पूरी की पूरी मिस्ट्री है, किस तरीके से वो दोबारा जिंदा हुआ है, कौन लोग उसके पीछे पड़े हुए, कितनों का उसने कर्जा देना है, और उस कर्जे को हटाने के लिए, कर्जे को ठीक करने के लिए वो कितने पापड़ बेलने वाला है, और वो किस किस तरीके के हथकंडे अपनाता है। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आपको इसके पार्ट नंबर 2 को देखना पड़ेगा, जिसके अंदर अब की बार और ज़्यादा पॉलिटिक्स आपको देखने को मिल रही है। अब की बार आपको थोड़ा सा आई वुड से प्रोडक्शन वाइज इसकी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, कॉमेडी अच्छी है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके सारे के सारे एपिसोड्स को जो है साथ में रिलीज कर दिया गया है। तो आपको इसके और भी एपिसोड्स का वीकली वेट करने की जरूरत नहीं है, और इसमें आपको टोटल 6 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं जिनका रन टाइम जो है वो लगभग 30 मिनट से लेकर 40 मिनट के बीच में रखा गया है। और अगर मेरे को आपके सामने इसके पार्ट नंबर 2 का रिव्यू सिर्फ एक लाइन में करना हो, मैं कह सकता हूँ कि इट्स अ डिसेंट क्वाइट गुड शो। अप टू द मार्क नहीं था, लेकिन जिस तरीके का शो था, जिस तरीके के एलिमेंट से, वो डेफिनेटली आपका जो टाइम है वो डिजर्व करता है। एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं भाई साहब भुवन बाम के बारे में, क्योंकि जब भी कोई ऐसा बंदा जो जमीन से उठ के मतलब इतनी मेहनत करके एक ऐसे लेवल पे पहुंचा हो जहां पे उसको इतनी कमाल की जो रिकॉग्निशन है वो मिलती है, और उनका काम इतना कमाल का है इसके अंदर, डेफिनेटली एज वत्स्य मजा आया उनके काम को देख के। साथ में आपको न्यू कास्ट के अंदर आप देखने को मिलने वाले हैं जावेद जैफरी, जिस तरीके के नेगेटिव शेड में आप देखने को मिल रहे हैं, मतलब आपको देख के लगता है कि यार साला ये संकी है, उसको देख के जो एक वो हेट वाली फीलिंग होती है ना, वो आपको उसके कैरेक्टर से आती है। तो जिस तरीके से उसको पोर्ट्रे किया गया है, मतलब अगर आप किसी नेगेटिव कैरेक्टर को हेट करना शुरू कर देते हो तो हाँ, उसने अपना काम बढ़िया किया है। तो एक्टिंग वाइज, परफॉर्मेंस वाइज इस शो आपको कहीं पर भी डिसअपॉइंट नहीं करता है। साथ में बात करें जिस तरीके से इसके अंदर आपको बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं, मतलब एपिसोड्स के अंदर ट्विस्ट एंड टर्न्स चल रहे हैं, लेकिन जब एपिसोड एंड होने वाला है उसके एंड में जो ट्विस्ट आता है वो डेफिनेटली आपको अगले एपिसोड के लिए जो है वो हाइप अप करता है। और ये एक बहुत अच्छी बात है, किसी भी शो को अगर आपको बिंज वॉच करना है तो उसकी एंडिंग जो है वो धमाकेदार होनी चाहिए। और अगर देखो बात करें जिस तरीके से आपको यहाँ पे जो है वो एक इमोशनल एंगल देखने को मिला है, चाहे वो लव को लेकर हो, चाहे वो बाप बेटे के रिश्ते को लेकर हो, चाहे वो माँ के लिए एक बेटे का प्यार हो, बेटे के लिए माँ का प्यार हो, जिस तरीके के सारे एंगल आपको देखने को मिले हैं वो डेफिनेटली बहुत जगह पे हिट करते हैं। अब अगर देखो बात करें इस मूवी के नेगेटिव पार्ट के बारे में, तो इसमें मुझे पर्सनली जो एक कमी मुझे लगी वो थी इसकी जिस तरीके से पेस रखी गई है। ट्विस्ट एंड टर्न्स काफी सारे होने के बाद भी जिस तरीके से इस शो की प्रोग्रेशन हो रही है, जिस तरीके से उसके अंदर काफी ज्यादा पॉलिटिक्स को घुसेड़ा गया है, इतनी नीड नहीं थी। मतलब जो पार्ट नंबर 1 है, जिस पैटर्न में वो चल रहा है, कहीं ना कहीं इस शो ने अपने पैटर्न को पूरी तरीके से चेंज किया, जो हो सकता है कई लोगों को पसंद आए, लेकिन मेरे को वो ओके लगा, मेरे को पर्सनली इतना वो पसंद नहीं आया। तो इन द एंड देखो, मैं आप लोगों से बस इतना बोलूँ कि अगर आप लोगों को इसका पहला पार्ट पसंद आया था, आप लोगों को भुवन बाम की एक्टिंग पसंद आती है, इनफैक्ट इसको पसंद नहीं आती है, तो कमाल की एक्टिंग, कमाल की स्टोरी, थोड़ा बहुत मुझे लगता है पेस का इशू था, लेकिन ओवरऑल इट्स अ गुड शो। तो मैं पर्सनली इस शो को बहुत आराम से रेट कर सकता हूँ 3.5/4/5 स्टार। तो आप लोगों से इतना बोलूंगा कि जाके इसको डेफिनेटली वॉच करो, अपना बंदा यार उठ के कहाँ लेवल पे पहुंचा है, तो डेफिनेटली सपोर्ट करना बनता है। तो आप लोगों ने अगर इसको चेक कर लिया, आपकी इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओ। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो तक देखा है तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक लाइक करो, और ऐसे और कंटेंट को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू, एंड टेक केयर, एंड कीप वॉचिंग सिनेमा अलाइव 33।